हाई, आई एम नील वाधवा एंड आई विल बी गोइंग टू आई आई टी बॉम्बे दिस ईयर। 11th क्लास में जब स्ट्रीम चूज करनी थी तो मैंने साइंस ले ली, क्योंकि सीखना था मेरे को, और सीखने के लिए बेस्ट जगह थी आई आई टी बॉम्बे। तो लोग बोलते थे कि आई आई टी की तैयारी थोड़ी टफ होती है, तो उसमें मेहनत बहुत लगेगी, तो मेहनत करने के लिए एक ऐसी जगह जाना पड़ेगा मेरे को जहाँ पे मेरे को हार्डवर्क करना सीखा है। तो आई आई टी पल्स में एक 8 to 8 गुरुकुल बैच होता था, जो जिसने मेरे को हार्डवर्क करना सिखाया, जहाँ पे मैंने खुद को एनरोल किया। और उस बैच में डेली टेस्ट होते थे, संडे टेस्ट होते थे, फुल सिलेबस टेस्ट होते थे, जिससे मेरी एक डिसिप्लिन वे में तैयारी हुई। बीच बीच में मुझे ऐसे नेगेटिव थॉट्स आते थे कि यार अब कैसे होगा, थोड़ा सा डिमोटिवेट होता था। तो मैं सुनील गुप्ता सर के पास जाता था, जो मैं फिजिक्स पढ़ाते थे, बट साथ में लाइफ लेसन देते थे कि आईआईटी सब कुछ नहीं होता, आपको आप प्रिपरेशन करो, आप अगर प्रिपरेशन अच्छे से करते हो तो आपको आईआईटी के बाद भी वो बहुत हेल्प करता है। अगर आप हार्डवर्क करना सीख गए तो बहुत अच्छा हो गया। तो बस वही हार्डवर्क करते करते मेरे को डिसिप्लिन वे में मेरे को कोचिंग ने चलाया और मैं आज आईआईटी बॉम्बे में हूँ। मेरी तरफ से रिकमेंडेशन होगी आपको कि आप 8 to 8 गुरुकुल बैच ज्वाइन करना, क्योंकि वहाँ पे आपको, आप कैसे भी हो, एवरेज स्टूडेंट भी हो, तो भी आपको हार्डवर्क करना अच्छे से सिखा देंगे। और मोबाइल फोन्स और मतलब सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहना चाहिए, जिससे मेरी बहुत अच्छे से तैयारी हुई।